हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पक्सीनिया की लाइफ साइकिल का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने पक्सीनिया की यूरिडिनल, टेलियल एंड बेसिडियल स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर यूरिडोस्पोर्स, टेलिटोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स बनते थे। अब इन बेसिडियोस्पोर्स के बाद नेक्स्ट स्टेज जो होगी, ठीक है, नेक्स्ट जो इन्फेक्शन होगा वो जाएगा बारबेरी प्लांट के ऊपर। तो ये जो दो स्टेजेस हैं यहाँ पे, पाइसिनियल और एसियल स्टेज, ये बारबेरी प्लांट के ऊपर होगी, यानी कि इसके सेकेंडरी होस्ट के ऊपर होगी। तो ये हम आज की वीडियो में इन दोनों स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। इवन पूरी लाइफ साइकिल के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे एक क्विक, अगर हम देखें यहाँ पे रिवीजन करें जो जो स्टेजेस हमने डिस्कस की है, लाइक पहले ये यहाँ पे क्या थे, ये यूरिडोसोरी था या फिर यूरिडोस्पोर्स है, ये यहाँ से निकल रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, होस्ट की एपिडर्मिस है जिसको रप्चर करके ये बाहर निकलते हैं मैच्यूरेशन के बाद। एंड ये एक सिंगल जिसके अंदर यूरिडोस्पोर है एंड एक इसकी स्टो होती है, एंड इसके बाद इसके अंदर जर्म पोर होते हैं जिनके थ्रू ये जर्म ट्यूब निकलते हैं। एंड देन क्या होता है, ये जर्म ट्यूब जो है, यानी कि इस यूरिडोस्पोर की जर्मिनेशन होती है होस्ट के सरफेस होता है जो एपिडर्मिस के उसके ऊपर, एंड इसके ऊपर ये स्ट्रोमा के थ्रू एंटर करती है अगेन होस्ट के अंदर, ठीक है, यानी दूसरे होस्ट के अंदर जब इसको इन्फेक्शन करना होगा वीट के अंदर। एंड ये ए प्रेसोरियम बनाती है यहाँ पे, फिर ये ए प्रेसोरियम कुछ यहाँ पे हाइफे देता है, ये हाइफे डाइकैरियोटिक हाइफे होते हैं, एंड अगेन ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। इसके बाद जैसे ही सीजन यूरिडोस्पोर्स के लिए अनफेवरेबल होता है, ये यूरिडोस्पोर्स जहां पे जिस यूरिडोसोराई के अंदर ये यूरिडोस्पोर्स बन रहे थे वहीं पे यूरिडोस्पोर्स जो है टेलिटोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट होना या फिर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टेलिटोस्पोर्स बन जाएंगे एंड ये टेलिटोसोरी बन जाएगी, ये रप्चर्ड होस्ट एपिडर्मिस होगी, इसको रप्चर करके ये बाहर निकलेंगे। ये एक सिंगल टेलिटोस्पोर होगा जिसके अंदर यहाँ पे दो इसके जो ये सेल है बाई सेल्ड है, और इसके अपने अपने यहाँ पे क्या है, जर्म पोर होते हैं, इसका एपिकल पोर्शन में होता है, इसका सेप्टम के नीचे प्रेजेंट होता है लोअर वाले सेल का। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इन जर्म पोर के थ्रू जर्म ट्यूब निकलेगी, जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होगी, एंड ये जर्मिनेटिंग टेलिटोस्पोर है जिसके थ्रू ये इसकी टिप्स पे बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लोइड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स बन गए स्टेलिटोस्पोर्स से जर्मिनेट होके, एंड इन बेसिडियोस्पोर्स के अंदर ये कैसे बने, इनके अंदर क्या होता है, दो यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेन होती है, दो नेगेटिव स्ट्रेन होती है, ठीक है, दो प्लस स्ट्रेन दो माइनस स्ट्रेन होती है। एंड ये कैसे होते हैं, ये हैप्लोइड नंबर होते हैं ये बेसिडियोस्पोर्स, ये यहाँ पे इनकी टिप के ऊपर ग्रो होंगे, ठीक है, इनकी टिप के ऊपर जो प्रोमाइसिलियम है इनकी टिप के ऊपर ग्रो होंगे। तो ये स्टेजेस हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है यहाँ पे, पाइसिनिडियल स्टेज जिसके अंदर स्प्रोमोगोनियल बनेंगे। लाइक इसके अंदर अगर हम डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे एपिडर्मिस के अंदर ये जर्म ट्यूब निकल के ये ग्रो किए यहाँ पे, यानी बेसिडियोस्पोर्स जो भी बने थे यहाँ पे ग्रो करेंगे, ये यहाँ पे बारबेरी प्लांट के ऊपर आ गए हैं, इसके ऊपर इन्फेक्शन कॉज हो गया है, एंड ये जो है ये यहाँ पे ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिनको स्पर्मोगोनिया बोलेंगे विद इन स्पर्मेटिया। यहाँ से ये जो स्पर्मोगोनिया है या फिर पाइसिनिडियल स्पेस है स्टेज है, ये इसके स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे इसके अंदर। अब इट इज ऑल्सो नोन एज पाइसिनियल और स्पर्मोगोनियल स्टेज भी इसको बोला जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स मेक्स द स्टार्ट ऑफ हैप्लोफेज, यानी कि बेसिडियोस्पोर्स हमने देखे थे कि ये कैसे थे, हैप्लोइड थे, टेलिटोस्पोर्स के अंदर उसके जो न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियाई थी, उनके अंदर मियोसिस हुई थी, उसके बाद वो हैप्लोइड बन गए थे। तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स है यहाँ से हैप्लोइड फेज जो है स्टार्ट हो जाएगा, इस हैप्लोइड फेज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट अकर्स ऑन बारबेरी प्लांट,
बारबरी प्लांट के ऊपर होता है ये, बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। एंड स्टार्ट कहाँ से होगा? अब जो बेसिडियोस्पोर्स थे, उन बेसिडियोस्पोर्स को जब सेकेंडरी होस्ट मिल जाएगा, बारबरी प्लांट मिल जाएगा, तो उस टाइम पे वो क्या शो करेंगे? जर्मिनेशन शो करेंगे। तो ये स्टार्ट होती है बारबरी प्लांट के ऊपर विद द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वीट प्लांट के ऊपर जो भी स्टेजेस होंगी वो डाइकैरियो फेज के अंदर होंगी, ठीक है। एंड अगर ये बारबेरी प्लांट के ऊपर इनको मिल जाता है सेकेंडरी होस्ट, बारबेरी प्लांट के ऊपर सारे स्टेजेस कैसे होंगे? हैप्लो फेज होंगी। तो यहाँ पे हैप्लो फेज का स्टार्ट हो जाता है एंड जर्मिनेशन होगी अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, द बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट ऑन बारबेरी लीफ। ये क्या करेंगी बेसिडियो स्पोर्स? क्योंकि इनका ये बेसिडियो स्पोर्स को जब सेकेंडरी होस्ट मिलेगा तभी ये जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये बेसिडियो स्पोर्स जो है बारबेरी लीफ के ऊपर जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे जर्मिनेशन होती है इनके अंदर? हर किसी के अंदर ये जर्मिनेशन जो होगी, जो भी स्पोर्स के अंदर हमने जर्मिनेशन डिस्कस किया, वो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होके हुई है। तो इसके अंदर भी बाय प्रोड्यूसिंग अ जर्म ट्यूब, एक जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होगी जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होगी? जर्मिनेशन होगी। लाइक ये अगर हम देखें, ये क्या है? ये बेसिडियो स्पोर है, इसके लीफ के ऊपर, लीफ एपिडर्मिस के ऊपर, ये बारबेरी लीफ के ऊपर बहुत सारे बेसिडियो स्पोर्स है। एंड ये इसके अंदर एक जर्म ट्यूब निकलनी स्टार्ट हुई है जो कि प्लस स्ट्रेन की हो सकती है या तो ये माइनस स्ट्रेन की हो सकती है। लीफ बाय प्रोड्यूसिंग अ जर्म ट्यूब विच पेनिट्रेट थ्रू द लीफ एपिडर्मिस, जो क्या करेगी? लीफ एपिडर्मिस के थ्रू पेनिट्रेट करेगी एंड ग्रोज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द फॉर्म ऑफ मैनी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। एंड ये हमने देखा था कि एपिडर्मिस के अंदर एंटर करने के बाद क्या करेगी? ये इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर ग्रो करती है। तो इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर अब स्टेज चल रही है बारबेरी प्लांट के ऊपर, तो ये मोनोकैरियोटिक स्टेज होगी, यानी कि हैप्लोफेज चलेगा। तो ये मोनोकैरियोटिक हाइफे या फिर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि बेसिडियो स्पोर्स ने जर्मिनेशन स्टार्ट की बाय प्रोड्यूसिंग द जर्म ट्यूब। कहाँ पे होगी ये? ये होगी बारबेरी लीफ के ऊपर, बारबेरी लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर। एंड एपिडर्मिस के थ्रू अंदर क्या की जाएगी? जर्म ट्यूब इंट्रोड्यूस की जाएगी, जर्म ट्यूब की एंट्री होगी। अब वो जर्म ट्यूब क्या करेगी? वो एंटर करके हाइफे प्रोड्यूस करेगी एंड वो हाइफे क्या करेंगे? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंटरसेलुलर स्पेसीज के अंदर होंगे, होस्ट के अंदर। होस्ट क्या? यहाँ पे बारबेरी, बारबेरी के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसीज होंगे वहां पे ये हाइफे या फिर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम देखने को मिलेगा। बोथ द बेसिडियो स्पोर, इन बेसिडियो स्पोर में या तो ये प्लस स्ट्रेन की हो सकते हैं या तो ये माइनस स्ट्रेन की हो सकते हैं। तो बोथ द बेसिडियो स्पोर मे हैपन टू फॉल अपॉन द सेम लीफ। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लीफ के ऊपर गिर जाए, फॉल ऑफ हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बोथ टाइप ऑफ माइसीलिया मे डिवेलप, दोनों टाइप के माइसीलिया, यानी कि यहाँ पे दोनों टाइप के माइसीलिया देखने को मिलेंगे साइड बाई साइड एंड इंटरमिंगल्ड विद इन द सेम लीफ। यानी एक ही लीफ के अंदर प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों के दोनों मिक्सचर इनका हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होगा। आफ्टर अबाउट 4 days ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, 4 days ऑफ इन्फेक्शन के बाद द हाइफे ऑफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम एग्रीगेट बिलो द अपर एपिडर्मिस। अब ये क्या करेंगे? अपर एपिडर्मिस की तरफ एग्रीगेट करना स्टार्ट करेंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट करेंगे ऑफ द लीफ टू फॉर्म फ्लावर शेप स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर हमने देखे थे कि फ्लावर शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे जिनको पाइसिनीडिया बोला जाएगा, इनको पाइसिनिया और स्प्रमोगोनिया भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे जो भी बेसिडियो स्पोर्स थे वो माइसीलियम बनाएंगे लीफ के अंदर एंड ये क्या करेंगे फिर इकट्ठे होके जो इसका अपर सरफेस होगा लीफ का उसकी तरफ क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट कर लेंगे एंड ये फ्लावर शेप के स्ट्रक्चर बना लेंगे जिनको पाइसिनिडिया, पाइसिनिया या फिर स्पर्मोगोनिया बोला जाता है। द पाइसिनीडिया ओपन थ्रू अ माइन्यूट पोर। अब ये जो पोर जिसके थ्रू ये ओपन होते हैं इसको ओस्टियोल बोला जाता है ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, जो क्या होगा? लीफ के अपर सरफेस के ऊपर होगा। लाइक ये लीफ का अपर सरफेस की एपिडर्मिस हो गई एंड यहाँ पे ये फ्लावर शेप का स्ट्रक्चर है, ये एपिडर्मिस कंटिन्यू है, ये फ्लावर शेप का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पोर है इस पोर को ओस्टियोल बोला जाता है, ठीक है, इस पोर को ओस्टियोल बोला जाएगा।
इसके नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, लाइक ये जो स्ट्रक्चर है फ्लास्क शेप के स्ट्रक्चर है, यही क्या है यहाँ पे, ये फ्लास्क शेप के स्ट्रक्चर ही पाइसिनिडिया यहाँ पे होते हैं, ठीक है ये वाले। फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द पाइसिनिडियम थ्री काइंड्स ऑफ हाइफे आर प्रोड्यूस्ड। अब इसकी जो इनर लेयर है इस पाइसिनिडियम की, यहाँ पे तीन काइंड के हाइफे देखने को मिलेंगे। उन तीन काइंड के हाइफे में से मैनी शॉर्ट यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हाइफे होंगे प्रोजेक्ट इन टू द कैविटी ऑफ द पाइसिनिडियम एंड आर कॉल्ड स्पर्मेटियोफोर्स। इनको स्पर्मेटियोफोर्स बोला जाता है, ठीक है। जो हाइफे क्या करेंगे, शॉर्ट यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट होंगे एंड ये क्या करेंगे, जो कैविटी होगी पाइसिनिडियम की उसके अंदर होंगे, उसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक ये जो है ये इसके अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे यहाँ पे, स्पर्मेटियोफोर्स होंगे। Each spermatophore give rise to a number of small, rounded or oval, uninucleate, spore-like bodies called spermatia या फिर piscineidiospores बोला जाता है through abstraction of its free end। जो इसका free end होगा वहाँ पे ये give rise करेंगे, ठीक है। हर एक अब क्या करेगा यहाँ पे, हर एक spermatophore एक number of small, rounded और oval हो सकते हैं uninucleate, क्योंकि यहाँ पे हैप्लोफेज चल रहा है, यूनिन्यूक्लिएट ही चलेंगे सारे। यूनिन्यूक्लिएट स्पोर लाइक बॉडीज प्रोड्यूस होंगी जिनको स्पर्मेटिया या फिर इनको पाइसिनिडियो स्पोर बोला जाता है। लाइक सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे, एक सिंगल एक इसकी बात करें, माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस हाइफे हो गई, तो इनके यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इनको बोला जाता है स्पर्मेटियम, ये जो स्पर्मेटिया है ये प्रोड्यूस होंगे या फिर इनको पाइसिनिडियो स्पोर बोला जाता है। द स्पर्मेटिया फॉल इन टू द कैविटी ऑफ पाइसिनिडियम। अब ये स्पर्मेट, ये जो यहाँ पे स्पर्मेटिया थे ये इस कैविटी के अंदर ही फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर ही गिर जाएंगे एंड आर एग्जूटेड आउट इन द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर थ्रू द ओस्टियोल। एंड फिर क्या होगा, ये ओस्टियोल के थ्रू छोटी छोटी नेक्टर की ड्रॉप की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। The hyphae near the ostiole are sterile and जो hyphae इसके पास होंगे, ठीक है, जो hyphae यहाँ पे ostiole के पास होंगे वो sterile होंगे, unbranched होंगे, hair like and इनको periphysis बोला जाता है, ठीक है। ये कैसे होंगे यहाँ पे, ये इसके पास जो है ये unbranched है and इनको periphysis बोला जाता है, ठीक है, इनको पेरीफाइसिस बोला जाएगा। ये वाले क्या हो जाएंगे, जो अनब्रांच्ड है यहाँ पे इनको पेरीफाइसिस बोला जाता है। तो यहाँ पे थ्री काइंड के हाइफे होते हैं जिनमें से यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट यूनिसेलर यूनिन्यूक्लिएट हाइफे होते हैं, जो कि इस ये जो यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना है पाइसिनिडियम, इसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे। अब इन हाइफे के टिप के ऊपर यहाँ पे स्पर्मेटिया प्रोड्यूस होंगे, टिप के ऊपर क्या होंगे, स्पर्मेटिया होंगे एंड ये स्पर्मेटिया को इनको पाइसिनिडियोस्पोर्स भी बोला जाता है। ये इस कैविटी के अंदर ही फॉल हो जाएंगे, पाइसिनिडियम के अंदर ही फॉल हो जाएंगे एंड ये बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर, ओस्टियोल के थ्रू फिर ये बाहर निकलेंगे। एंड हाइफे जो होते हैं नियर द पोर, जो ओस्टियोल जिसको हमने बोला था, वो वहां पे इनको पेरीफाइसिस बोला जाता है एंड ये अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्राइल होते हैं एंड हेयर लाइक होते हैं। थर्ड काइंड ऑफ हाइफे अराइज अमंगस द पेरीफाइसिस एंड प्रोजेक्ट फार बियॉन्ड द पेरीफाइसिस आउट ऑफ द ओस्टियोल। फर्स्ट काइंड का था, फर्स्ट काइंड के ये हाइफे थे, ठीक है। सेकेंड काइंड का ये हाइफा था, पेरीफाइसिस। थर्ड काइंड का हाइफा है जो कि क्या होता है, अराइज अमंगस द पेरीफाइसिस एंड प्रोजेक्ट फार बियॉन्ड द पेरीफाइसिस आउट ऑफ द एस्टियोल ओस्टियोल। दे आर थिन वॉल्ड डेलिकेट फर्टाइल। लाइक पेरीफाइसिस क्या था, एक स्ट्राइल था, ये कैसे होते हैं, फर्टाइल सेप्टेट होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, पेरीफाइसिस अनब्रांच्ड था और अनब्रांच्ड रिसेप्टिव और फ्लैक्सस हाइफे इनको बोला जाता है, ठीक है। ये थर्ड टाइप के इसके अंदर रिसेप्टिव और फ्लास्क, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये रिसेप्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे रिसेप्टिव हाइफे होता है।
तो ये थर्ड काइंड का हाइफे यहाँ पे होता है, जो कि थिन वॉल्ड होता है, डेलिकेट होता है, फर्टाइल, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, एंड अनब्रांच्ड भी हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टिव और फ्लेक्सस हाइफे, इनको बोला जाता है। बोथ प्लस एंड माइनस स्ट्रेन ऑफ द माइसीलियम में डिवेलप इन द सेम बारबरी लीफ। ये हमने पहले ही बोला था कि प्लस और माइनस स्ट्रेन, दोनों स्ट्रेन के हाइफे एक ही बारबरी लीफ के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। बोथ काइंड ऑफ पाइसिनीडिया मे बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम लीफ। और एक ही लीफ से दोनों टाइप के प्लस और माइनस स्ट्रेन के निकल भी सकते हैं, एंड ये एक ही लीफ के ऊपर प्रेजेंट भी हो सकते हैं। बट ईच काइंड ऑफ पाइसिनीडिया विल बी प्योर फॉर इट्स होम। हमने बोला था कि ये जो माइसीलियम है वो इंटरमिंगल्ड हो जाएंगे, वो इंटरमिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जो इनकी फॉर्म है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर वो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो ये अपनी फॉर्म के अंदर प्योर होते हैं, दैट इज ए पाइसिनीडियम विद विल बी आइदर प्लस और माइनस टाइप, नॉट मिक्सड। इसके अंदर हमने ये बोला था कि ये ऐसे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे क्रॉस नेटवर्क बना के मिक्स हो जाएंगे, ना कि ये बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अगर प्लस है तो प्लस ही होगा, अगर माइनस है तो माइनस ही होगा। तो आइदर प्लस होगा और माइनस होगा, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। All kind of hyphae in a particular Piscineidium will belong to the same strain. And ये जो different different हमने तीन kind के hyphae की भी बात की है, ये तीनों kind के hyphae ही क्या होंगे, तीनों kind के hyphae same strain के होंगे। जैसे एक एक अगर हम एक पाइसिनीडियम के अंदर बात करें, तो उसके अंदर तीनों, अगर एक वो पॉजिटिव स्ट्रेन के तो तीनों ही पॉजिटिव के होंगे, अगर वो माइनस स्ट्रेन के तो वो तीनों ही माइनस स्ट्रेन के। मॉर्फोलॉजी क्या होगी पाइसिनीडियो स्पोर्स की, प्रोड्यूस्ड ऑन पाइसिनिया, पाइसिनिया एंड स्पर्मोगोनिया के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। वन सेल होते हैं, स्मॉल एंड राउंडेड इन आउटलाइन होते हैं, यूनिन्यूक्लियेटेड हैप्लोइड सेल्स होते हैं, जिनको स्पर्मेटिया और इनको मेल सेल भी बोला जाता है। बारबरी लीफ के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं ऑन डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड, ये वाली डोर्सल साइड होगी, लीफ के नीचे वाली साइड वेंट्रल साइड होती है, ऊपर वाली जो डोर्सल साइड होगी वहां पे ये प्रोड्यूस होंगी। नो जर्म पोर, इनके अंदर कोई जर्म पोर नहीं होता है। फ्यूज विद रिसेप्टिव हाइफे टू ब्रिंग अबाउट डाइकैरियोटाइजेशन। इनके अंदर जो डाइकैरियन बनेगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, ये रिसेप्टिव हाइफे से फ्यूज करके बनेंगे। ये प्लस और माइनस स्ट्रेन के हो सकते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी होती है पाइसिनियोस्पोर्स की। इसके बाद इनके अंदर ये जो स्पर्मेटिया थे एंड रिसेप्टिव हाइफे थे, स्पर्मेटिया एंड रिसेप्टिव हाइफे, ठीक है, जैसे ये रिसेप्टिव हाइफे हो गया, ये स्पर्मेटिया हो गया, तो ये जो स्पर्मेटिया और रिसेप्टिव हाइफे थे आर कंसिडर्ड टू बी सिमिलर टू मेल सेल एंड ट्राइकोगाइनी रिस्पेक्टिवली। यानी कि इनको मेल सेल एंड फीमेल सेल की तरह भी कंसिडर किया जा सकता है। The spermatia may be disseminated by insect and transferred to receptive hyphae of the opposite strain. अब ये जो है इसके disseminated किए जा सकते हैं insects के through, ठीक है। Insects क्या करेंगे, like एक insect एक जो है hyphae के ऊपर बैठा, उसके साथ ये spermatia उसके साथ stick हो गए, and वो फिर किसी दूसरे के ऊपर receptive के ऊपर बैठा, तो वहां पे फॉल ऑफ होके उस वो receptive के पास या फिर fuse हो जाएंगे उससे, यानी opposite strain के पास चले जाएंगे। This process is called spermatization, and इसको spermatization बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट्स के केस में, हायर प्लांट्स के केस में होता है, हायर प्लांट्स के केस में क्या होता है, फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होती है, वैसे इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्पर्मेटिया होंगे जो कि मेल सेल की तरह काम करेंगे, एंड यहाँ पे रिसेप्टिव सेल्स होंगे जो क्या करेंगे, रिसेप्ट करेगी, या फिर रिसेप्टिव हाइफे होंगे जो कि एक तरह से ट्राइकोगाइनी या फिर हम बोल सकते हैं कि फीमेल की तरह काम करेंगे, तो ये एक तरह से पोलिनेशन जैसा ही होता है। The was at the point of contact of spermatium and receptive hypha. Dissolve the nucleus of spermatium, migrate into the receptive hypha. अब ये जो यहाँ पे receptive hypha है, एंड ये यहाँ पे अगर हम बोल दें यहाँ पे ये spermatia है, तो इनकी जो wall है वो क्या क्या हो जाएगी, dissolve हो जाएगी, dissolve ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इनकी wall क्या हो जाएगी, ऐसे dissolve हो जाएगी। अब डिजोल्व होने के बाद जो भी स्पर्मेटियम का न्यूक्लियस है वो इस रिसेप्टिव हाइफे के अंदर माइग्रेट कर जाएगा, यानी कि मेल न्यूक्लियस फीमेल के अंदर या फिर रिसेप्टिव हाइफे के अंदर माइग्रेट कर जाएगा। द स्पर्मेटियल न्यूक्लियस मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द सेप्टल पोर एंड इन द रिसेप्टिव हाइफे अंटिल इट रीचेस द बेसल सेल।
ये जो यहाँ पे पूरा हाइफे होगा, ठीक है, पूरा हाइफे होगा, एंड हाइफे के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे ऐसे सेप्टल पोर्स होते हैं, तो ये तब तक मूव करेगा जब तक ये बेसल सेल, बेस वाली सेल, बेसल सेल के पास नहीं पहुंच जाता। तो इन सेप्टल पोर्स के थ्रू ये मूव करता चला जाएगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करता जाएगा, अंटिल इट रीचेस टू द बेसल सेल, जब तक ये बेसल सेल तक नहीं पहुंचता। द बेसल सेल दिस बिकम्स बाई न्यूक्लिटेड। अब जो यहाँ बेसल सेल होगी, उस बेसल सेल के अंदर एक तो यहाँ पे होगा रिसेप्टिव हाइफे का न्यूक्लियस, ठीक है, एक तो रिसेप्टिव हाइफे का न्यूक्लियस पहले से प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे मेल का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन था और यहाँ पे एन था, तो यहाँ पे टू एन कंडीशन हो जाएगी, तो ये बाई न्यूक्लेटेड बन जाएंगे, हैविंग ए डाई कैरियन कंप्राइजिंग ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम अपोजिट स्ट्रेन, जिसके अंदर क्या होगी, अपोजिट स्ट्रेन की न्यूक्लियाई होंगी, क्योंकि अपोजिट स्ट्रेन के हाइफे रिसेप्टिव और जो दूसरा था हमारा स्पर्मेटिया, वो उन दोनों के बीच में जब यहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन होती है, तब यहाँ पे क्या बनता है, तब यहाँ पे जाके एक बाई न्यूक्लेटेड कंडीशन आती है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेन होगी वो कैसी होगी, अपोजिट स्ट्रेन होगी, ठीक है, एक प्लस का होगा एक माइनस स्ट्रेन का होगा। दिस इज स्टार्ट ऑफ डाइकैरियोटिक फेज अगेन, तो यहां से अगेन डाइकैरियोटिक फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे कंडीशन कैसी होगी, बाई न्यूक्लेटेड कंडीशन हो गई है, ठीक है, एन प्लस एन कंडीशन यहाँ पे हो गई है, बाई न्यूक्लेटेड कंडीशन हो गई है, और ये कैसा बन गया है, एक डाइकैरियन बन गया है, तो ये यहाँ पे डाइकैरियोटिक फेज अगेन स्टार्ट हो जाता है। नंबर फिफ्थ यहाँ पे आती है एसीरियल स्टेज, या फिर इसको एसील स्टेज बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये भी बारबेरी लीफ के अंदर ही होती है, द मोनोकैरियोटिक माइसीलियम विच फॉर्म द पाइसिनिडिया ऑन द अपर साइड ऑफ द बारबेरी लीफ मीन वाइल पेनिट्रेट डाउनवर्ड्स एंड रीचेस अप टू द लोअर एपिडर्मिस, ये बेसल सेल तक पहुंच जाता है, लोअर एपिडर्मिस तक पहुंच जाता है। दिस माइसीलियम फॉर्म एन एग्रीगेशन ऑफ स्फेरिकल यूनिन्यूक्लियर सेल्स जिसको प्रोटो एसीडियम या फिर एसीडियल प्राइमोर्डियम बोला जाता है बिनिथ द लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या करेगा, यहाँ पे ये प्रोटो एसीडियम या फिर एसीडिया प्राइमोर्डिया प्राइमोर्डियम बना लेगा लोअर एपिडर्मिस के बिना। इफ स्पर्मेटाइजेशन अकर्स इन पाइसिनिडियम, अगर स्पर्मेटाइजेशन हो जाती है पाइसिनिडियम के अंदर, द प्रोटो एसीडियम डिवेल्प फर्दर टू फॉर्म एसीडियम, तो ये फर्दर एसीडियम फॉर्म कर देता है अगर यहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन होती है तो। द एसीडियम इज येलो कप शेप स्ट्रक्चर होता है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, क्योंकि हमने बोला है कि ये बिनेंथ द लोअर एपिडर्मिस होता है, तो लोअर एपिडर्मिस का जो सरफेस होगा, लीफ का जो लोअर सरफेस होगा, वहां पे कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, लाइक यहाँ पे ये एसीडिया है बारबेरी लीफ के ऊपर, ये एक क्लस्टर है एसीडिया का, तो जैसे कि अगर हम बात करें ये डोर्सल साइड है ये वेंट्रल साइड है लीफ की, तो यहाँ पे ऐसे कप शेप के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, एंड ये कप शेप के स्ट्रक्चर ही क्या होंगे, ये एसीडियम होंगे, ठीक है, ये सैक लाइक फ्लास्क शेप के कप शेप के स्ट्रक्चर एसीडियम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मोनोकैरियोटिक जो है जिसने पाइसिनिडिया फॉर्म किया था वो था अपर सरफेस ऑफ द बारबेरी लीफ के ऊपर, फिर ये डाउनवर्ड पेनिट्रेट करेगा दूसरे पोस्ट स्ट्रेन के अंदर, एंड ये लोअर एपिडर्मिस तक पहुंच जाएगा, एंड वहां पे ये एग्रीगेशन करके स्फेरिकल यूनिन्यूक्लिएट सेल फॉर्म कर लेगा जिसको प्रोटो एसीडियम या फिर एसीडिया एसीडियल प्राइमोर्डियम बोला जाता है। स्पर्मेटाइजेशन अगर हो जाती है तो यहाँ पे प्रोटो एसीडियम जो है वो एसीडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर डेवलप हो जाता है, एंड ये लोअर साइड ऑफ द लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। मेनी सच एसीडिया प्रेजेंट ऑन अ लीफ, एक लीफ के अंदर बहुत टाइप के ऐसे टाइप के एसीडियम या फिर एसीडिया देखने को मिलते हैं। बिकॉज द एसीडियल प्राइमोर्डिया डिवेल्प फ्रॉम द एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन से डिवेलप हुए हैं सेम माइसीलियम फ्रॉम विच पाइसिनिडिया आर प्रोड्यूस्ड, द स्पर्मेटाइजेशन आल्सो कॉजेज द डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ प्रोटो एसीडिया। अब यहाँ पे जो एसीडियल प्राइमोर्डियम है, एसीडियल प्राइमोर्डियम डिवेलप हुआ है एक्सटेंशन ऑफ सेम माइसीलियम, वही उसी माइसीलियम से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एंड ये क्या करेंगे, जिससे पाइसिनिडिया बना था, जिससे पाइसिनिडिया बना था उसी से ये क्या बना है, उसी से एसीडियल प्राइमोर्डियम बना है, तो ये प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्पर्मेटाइजेशन कॉज करेगी यहाँ पे डाइकैरियोटाइजेशन एंड ऑफ प्रोटो एसीडिया, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे पाइसिनिडिया की, वहां पे जो कंडीशन थी वो हैप्लोइड थी,
वहां पे मोनोकैरियोटिक थी, उसके बाद डाइकैरियोटिक स्टेज आई थी, डाइकैरियो फेज आया था, तो ये उसी से बना है। तो यहाँ पे डाइकैरियोटाइजेशन होगी प्रोटोएसिडिया की। यहाँ पे एसिडियो स्पोर्स है जो कि इन लेयर्स के अंदर, ये यहाँ पे इन चेन्स के अंदर अरेंज है, एंड इनके ऊपर ये जो लेयर होगी इसको पेरिडियम बोला जाता है। आफ्टर डाइकैरियोटाइजेशन द बेस ऑफ द प्रोटो एसिडियम गिव राइज टू वर्टिकली इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स फॉर्मिंग द हाइमिनियम ऑफ एसिडियो फोर्स। एंड ये यहाँ पे एक वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स गिव राइज करता है, ठीक है। डाइकैरियोटाइजेशन के बाद जो बेस होगा प्रोटोएसीडियम का, बेस ये वाला हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया, तो बेस प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, बेस प्रोड्यूस करेगा वर्टिकली इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल जो कि हाइमिनियम ऑफ एसिडियो फोर्स फॉर्म करती है। ईच एसिडियो फोर्स कट ऑफ अ नंबर ऑफ बाइन्यूक्लेटेड सेल्स जिनको एसिडियो स्पोर्स बोला जाता है। अब ये जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एसिडियो फोर्स थे वो कट हो जाते हैं अलग अलग सेल्स के अंदर, नंबर ऑफ बाइन्यूक्लेटेड सेल्स के अंदर जिनको एसिडियो स्पोर्स बोला जाता है। दीज आर प्रोड्यूस बाई ट्रांसवर्स डिविजन, एंड ये जो है वर्टिकल के अंदर ये ऐसे ट्रांसवर्स डिविजन होगी तब जाके ये प्रोड्यूस होंगे। तो ये प्रोड्यूस होते हैं ट्रांसवर्स डिविजन के थ्रू इन बेसिपेटल मैनर एंड आर अरेन्ज इन चेन्स, ये चेन्स के अंदर अरेन्ज होते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई स्मॉल फ्लैटेंड एंड स्ट्राइल सेल्स कॉल्ड डिसजंक्टर सेल। एंड ये सेपरेटेड होते हैं हर एक सेल से, दूसरी सेल से, एक स्मॉल फ्लैटेंड स्ट्राइल सेल जिसको डिसजंक्टर सेल बोला जाता है, उससे ये सेपरेट हो जाते हैं। लेटर डिसऑर्गेनाइज एंड द एसिडियो स्पोर बिकम फ्री वन बाई वन इन साइड द एसिडियल कैविटी। अभी एसिडियल कैविटी के अंदर वन बाई वन यहाँ पे फ्री होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये फ्री हो गए हैं, वन बाई वन ये फ्री होते जा रहे हैं। मीन वाइल द पेरीफ्रल सेल्स ऑफ द एसिडियम डिवाइड एंड फॉर्म अ थिक डिफाइंड कवरिंग कॉल्ड पेरिडियम। एंड इनके बाहर इस लेयर के, इसकी जो लेयर होगी वो क्या होगी, पेरिडियम होगी। तो ये पेरिफेरल सेल्स जो होंगी इस एसीडियम की पेरिफेरल सेल्स क्या बना देंगी, पेरिडियम बना देंगी, यहाँ पे एक कवरिंग बना देगी जिसको पेरिडियम बोला जाएगा। इसके बाद ये जो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे डाइकैरियोटाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये पाइसिनिडियो स्पोर्स है, ठीक है, प्लस और माइनस स्ट्रेन के पाइसिनिडियो स्पोर है। एंड ये जो स्ट्रक्चर एक फ्लावर शेप का, ये पाइसिनिडियम है या फिर इसको हमने स्पर्मेटियम बोला था। ये होस्ट की सेल्स हैं, यहाँ पे ये इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर मोनोकैरियोटिक हाइफे प्रेजेंट है, डाइकैरियोटिक हाइफे यहाँ पे है, होस्ट की सेल्स हो गई। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे एसिडियल कप या फिर एसिडियो स्पोर्स बनी है, क्योंकि हमने देखा था ये जो है ये अपर सरफेस है, इसका लीफ का अपर सरफेस है एंड ये लीफ का लोअर सरफेस है। तो ये अपर से लोअर सरफेस की तरफ मूव करके आई, तो ये मूव करके आए हैं। एंड ये कैसे हाइफे, यहाँ पे डाइकैरियोटिक हाइफे ये एसिडियल कप एंड एसिडियो स्पोर्स बना रहे हैं। तो ये डाइकैरियोटाइजेशन इसके अंदर होती है इसे। विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एसिडियो स्पोर्स इन द एसिडियल कैविटी, जैसे जैसे एसिडियो स्पोर्स एसिडियल कैविटी के अंदर बढ़ते जाते हैं, पेरिडियम अल्टीमेटली रप्चर्स टूवर्ड द लोअर एपिडर्मिस रिलीजिंग द एसिडियो स्पोर्स। तो ये पेरिडियम जो नीचे की तरफ, नीचे यानी कि लोअर एपिडर्मिस की तरफ जो पेरिडियम होगी वो रप्चर हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली जो एसिडियो स्पोर्स है वो बाहर निकल आएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एसिडियो स्पोर्स आर ब्राइट येलो थिन वॉल्ड यूनिसेलुलर बाई न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कैसे होंगे, बाई न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, थिन वॉल्ड एंड यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर डिसेमिनेटेड बाई विंड, एंड विंड के थ्रू ये डिसेमिनेटेड किए जाते हैं। दे कांट री इन्फेक्ट द बारबेरी प्लांट, दोबारा से ये बारबेरी प्लांट को री इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी होस्ट यानी कि वीट इनकी जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज देखी थी इसकी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो जर्मिनेशन होती है, जो एसिडियोस्पोर्स की जर्मिनेशन होती है, वही नेक्स्ट क्या फॉर्म करती है, वहां पे नेक्स्ट स्टेज फॉर्म करती है। तो यहाँ पे इसको प्राइमरी होस्ट की, इन एसिडियोस्पोर्स को प्राइमरी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी जर्मिनेशन के लिए। एसिडियोस्पोर्स की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, किन करेक्टर्स के थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
एसिडियल कप के अंदर प्रोड्यूस होंगे, वेंट्रल साइड के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, बारबरी लीफ के ऊपर, जो सिंगल सेल होते हैं यानी यूनिसेलर होते हैं, ओवल और पॉलीगोनल हो सकते हैं, चेन्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। एसिडियोस्पोर्स आर सेपरेटेड बाय डिसंक्टर सेल्स, एंड ये एसिडियोस्पोर्स डिसंक्टर सेल के थ्रू सेपरेट होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। चेन्स ऑफ द एसिडियोस्पोर्स इनक्लोज्ड बाय एनवेलप पेरिडियम, एंड एक पेरिडियम होती है जिसके थ्रू, जो कहाँ से बनती है, जो एसिडियम की ही चेन्स से या फिर लेयर से ही बनती है, तो ये उसमें इनक्लोज होते हैं। अटैच्ड वीट प्लांट, एंड वीट प्लांट से ये नेक्स्ट अटैच होते हैं। वीट प्लांट इनको रिक्वायर होता है अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज के लिए, क्योंकि अब यहाँ तक लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसको अगर वीट प्लांट मिलता है तो ये जाके दोबारा से री इन्फेक्शन कोज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये इसकी लाइफ साइकिल दोबारा से ही स्टार्ट हो जाती है इसकी लाइफ साइकिल। अब इसके बाद जर्मिनेशन कैसे होगी इन एसिडियोस्पोर्स की? एसिडियोस्पोर्स कैरिड आउट बाय विंग टू द वीट प्लांट जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। एसिडियोस्पोर्स फेवरेबल कंडीशन के अंदर जर्मिनेट होंगे वीट प्लांट के ऊपर, एंड ये प्रोड्यूस करते हैं वन और मोर जर्म ट्यूब, एंड विच एंटर द होस्ट टिश्यू थ्रू द स्टोमेटा एंड इस्टेब्लिश डाइकैरियोटिक माइसीलियम। एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम को गेन वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। द माइसीलियम डिवेलप यूरिडोसोराई एंड सो ऑन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल। ठीक है, ये क्या बना देंगे, अगेन यूरिडोसोराई बना देंगे, एंड इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी एसिडियोस्पोर्स से, हमने देखा था कि एसिडियोस्पोर्स बारबेरी लीव से वीट लीव्स के ऊपर आते हैं, एंड तब जाके इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। तो ये यूरिडोसोराई बना लेंगे, यूरिडोसोराई से उसमें से यूरिडोस्पोर्स बन जाएंगे, ऑन मैच्यूरेशन वो यूरिडोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, वहां से रप्चर हो जाएगी होस्ट की एपिडर्मिस या फिर वीट की एपिडर्मिस, एंड जो यूरिडोस्पोर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। अगेन वो टेलिडोस्पोर्स बनाएंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे, पाइसिनिडियम बनाएंगे, एंड अगेन एसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर कुछ न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं। न्यूक्लियर चेंजेस की अगर हम बात करें, बाई न्यूक्लियेटेड एसिडियोस्पोर प्रोड्यूस डाइकैरियोटिक माइसीलियम और वीट प्लांट, फर्स्ट स्टेज हमने देखी थी। द माइसीलियम प्रोड्यूस यूरिडोस्पोर्स, एंड ये माइसीलियम यूरिडोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि बाई न्यूक्लियेटेड होते हैं। देन टेलिडोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो अगेन बाई न्यूक्लियेटेड ही होते हैं। मैच्योरिटी के बाद टू न्यूक्लियाई ऑफ ईच टेलिडोस्पोर फ्यूज टू फॉर्म डिप्लोइड न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट द डिप्लोइड स्टेज। अगेन क्या है, डिप्लोइड स्टेज है। अब इसके बाद प्रोमाइसीलियम प्रोड्यूस होगा टेलिडोस्पोर्स की जर्मिनेशन के बाद, हैज डिप्लोइड न्यूक्लियस इसके इनिशियल स्टेज के अंदर, देन मियोसिस होगी तो इनके अंदर हैप्लोइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाएगी बाई मियोसिस। ठीक है, यहाँ पे हैप्लोफेज स्टार्ट हो जाता है। हैप्लोइड न्यूक्लाई आर यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड बेसिडियोस्पोर्स। तो हैप्लोइड बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन में ये जो है ये चले जाते हैं। बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट ऑन बारबेरी प्लांट प्रोड्यूसिंग मोनोकैरियोटिक हैप्लोइड माइसीलियम। अगेन ये मोनोकैरियोटिक हैप्लोइड न्यूक्लियस बारबेरी प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होता है। फिर पाइसिनिडोस्पोर प्रोड्यूस बाय दिस माइसीलियम आल्सो यूनिन्यूक्लियेट एंड हैप्लोइड होते हैं। एंड इसके बाद स्पर्मेटाइजेशन होती है जिसकी वजह से डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है जिसके अंदर अपोजिट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई आ जाते हैं, एंड ये प्रोड्यूस कर देते हैं एसिडोस्पोर्स एसिडिसिया एसिडिया के अंदर या फिर एसिडियम के अंदर, एंड ये एसिडियोस्पोर बाई न्यूक्लियेटेड होते हैं, एंड अगेन ये वीट प्लांट को री इन्फेक्ट करेंगे एंड अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते रहेंगे। तो हमने देखा कि कहाँ पे डिप्लोइड था, कहाँ पे यहाँ पे हैप्लोइड था। ये डायग्राम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल। जो भी स्टेजेस हमने डिस्कस किया वो ग्राफिकल है, फिर डायग्रामेटिक हम देखेंगे। तो ग्राफिकल के अंदर हमने स्टेजेस के अंदर अगर हम बात करें, पहली स्टेज के अंदर यूरिडोस्पोर्स बने थे, यूरिडोस्पोर्स बने थे, फिर यूरिडोस्पोर्स से टेलिटोस्पोर्स बने थे, टेलिटोस्पोर्स बने थे स्पोर्स, इन टेलिटोस्पोर्स से नेक्स्ट यहाँ पे बना था बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स से ये फिर चले गए थे बारबेरी प्लांट के ऊपर, एंड ये बन गए थे यहाँ पे ये बन गए थे पाइसीनीडिया बन गए थे, या फिर पाइसीनियोस्पोर्स बन गए थे, या फिर इनको बोला गया था स्पर्मेटिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे आ जाएगी
एसी एसिडियो स्पोर्स, ये अलग अलग कंडीशन है पांच। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे यूरिडोस्पोर्स थे, एंड यूरिडोस्पोर्स हमने देखे थे कि वो कहाँ से बने थे, वो बने थे एसिडियोस्पोर्स से। एसिडियोस्पोर के अंदर एन प्लस एन बाइन्यूक्लियेटेड कंडीशन होती है, जो कि अगेन वीट प्लांट के ऊपर आते ही यानी री इन्फेक्शन या फिर अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर देगी, जिसके अंदर एन प्लस एन कंडीशन होगी। अब ये वीट प्लांट के ऊपर रस्ट डिजीज कोज करेगी, तो ये प्रोड्यूस कर देगी यूरिडिनिया और यूरिडोस राई के अंदर, यंग वीट प्लांट के अंदर, एंड जो कि अगेन एन प्लस एन होगा, जो यूरिडोस्पोर्स बना देगा, ये भी एन प्लस एन कंडीशन के अंदर होगा। ये अगेन न्यू माइसीलियम बना देंगे, एंड ये माइसीलियम कैसा होता है, डाइकैरियोटिक होता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना देंगे, जो कि अगेन एन प्लस एन होता है, एंड ये यूरिडोस्पोर्स बना देंगे, जो कि अगेन एन प्लस एन होते हैं, एंड अगेन ये रस्ट वीट प्लांट के ऊपर रस्ट डिजीज कोज कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से री इंफेक्शन कोज कर सकते हैं। प्लांट टू प्लांट, फील्ड टू फील्ड, ये क्या करते रहते हैं, इंफेक्शन कोज करते रहते हैं, जब तक फेवरेबल कंडीशन चलती रहती है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ये क्या करेंगे, टेलियल स्टेज के अंदर आ जाएंगे, यानी कि यूरिडोस्पोर्स जो यूरिडोसोराई थी वो टेलिटोसोराई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे एन प्लस एन कंडीशन होती है, यंग टेलिटोस्पोर्स बनेंगे, एन प्लस एन कंडीशन होगी, कैरियोगैमी होगी। इसके बाद कैरियोगैमी के बाद मेच्योर टेलिटोस्पोर जो कि डिप्लोइड बन जाएगा, ये कुछ टाइम तक डोरमेंट रहेंगे, जब तक कि कंडीशन दोबारा, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर चल रही है, तो ये कुछ टाइम तक, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, स्प्रिंग नहीं आ जाती, तब तक ये क्या रहेंगे, डोरमेंट रहेंगे, सोइल के अंदर रहेंगे, या फिर ये वीट डेब्रिस के अंदर, वीट स्ट्रो के अंदर रहेंगे। एंड देन ये क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, मियोसिस करेंगे, बेसीडिया बना देंगे जो कि हैप्लोइड होगा। फिर जो प्रोमाइसीलियम था टेलिटोस्पोर्स का, जब ये जर्मिनेट करेंगे, तो ये स्ट्रिग्मेटा इनके टिप्स को बोला जाएगा, इन स्ट्रिग्मेटा के ऊपर यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, फोर बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, अगेन हैप्लोइड होंगे। अब ये बेसिडियोस्पोर्स वेट करेंगे कि इनको बारबेरी प्लांट या फिर सेकेंडरी होस्ट मिले, तो ये क्या करेंगे, ये चले जाएंगे बारबेरी प्लांट के ऊपर। बारबेरी प्लांट के ऊपर यहाँ पे प्लस और माइनस स्ट्रेन के यहाँ पे स्पर्मोगोनिया बना लेंगे यहाँ पे, या फिर पाइसिनीडियम बना लेंगे ये, फिर स्पर्मेटिया या फिर पाइसिनीडियो स्पोर्स बना लेंगे यहाँ पे, एंड इनको फिर ये फ्लेक्सस हाइफे बना लेंगे, जिसके अंदर प्लस और माइनस स्ट्रेन होंगी। एंड देन पेयरिंग होगी, पेयरिंग के बाद ये प्राइमोर्डिया बना लेंगे, प्राइमोर्डियन एसिडियल प्राइमोर्डियम या फिर एसिडिया एसीएम प्राइमोर्डिया बना लेंगे ये, फिर एसिडिया बना लेंगे, जिसके अंदर एन प्लस एन कंडीशन होती है। एंड अगेन ये क्या बना देंगे, वीट को री इन्फेक्ट कर देंगे, देन यूरिडोस्पोर्स, एंड ये सारी स्टेजेस जो है वो अगेन एंड अगेन चलती रहेंगी। तो इस वे में इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देख सकते हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो कंडीशन थी यहाँ पे, यहाँ तक ये क्या थी, डाइकैरियोफेज थी, एंड ये जो ये कैसे थे, डिप्लोफेज थी, डिप्लोफेज जिसके अंदर डिप्लोइड होगी, एंड डाइकैरियोज यानी कि एन प्लस एन कंडीशन होगी। एंड यहाँ पे हैप्लोफेज थी, ये जो एन एन कंडीशन है, यहाँ तक ये क्या थी, हैप्लोफेज थी, ये सारे क्या थी, हैप्लोफेज थी, और इसके अलावा ये सारी कैसी थी, यहाँ पे डाइकैरियोफेज थी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर चलता है, क्योंकि हैप्लोइड और डिप्लोइड फेजेस चलते रहते हैं, मोनोकैरियोफेज या फिर डिप्लोफेज चलते रहते हैं, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर चलती रहती है। जो न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के अंदर, तो इससे आसानी से इंटरप्रेट किया जा सकता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम यूरिडोस्पोर्स टेलिटोस्पोर्स रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ द फंगस। ठीक है, टेलिडोस्पोर्स एंड यूरिडोस्पोर्स जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन शो करते हैं फंगस के, यानी कि डिप्लोइड कंडीशन हम बोल सकते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ डाइकैरियोटिक एंड डिप्लोइड फेज, ये कंटेन करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द बेसिडियोस्पोर प्रोमाइसिलियम पाइसिनिडिया पाइसिनिडियोस्पोर्स, इनके अंदर कैसी होती है, इन सबके अंदर गैमेटोफिटिक कंडीशन यानी कि हैप्लोइड कंडीशन होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रीजनरेटेड आफ्टर डाइकैरियोटाइजेशन ऑन बारबेरी प्लांट प्रोड्यूसिंग एसिडियोस्पोर। स्पोरोफिटिक जनरेशन दोबारा से रीजनरेट की जाती है डाइकैरियोटाइजेशन के बाद बारबेरी प्लांट के अंदर, जिसके अंदर एसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस पक्सिनिया शोज अल्टरनेशन ऑफ स्पोरोफिटिक यानी कि एन प्लस एन, और इसको टू एन बोलेंगे, या फिर गैमेटोफिटिक यानी कि एन जनरेशन इन इट्स लाइफ साइकिल। एक बार स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक, ये इसके अंदर कंडीशंस चलती रहती है। तो इस वे में इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस चलते रहते हैं। इसके अलावा डिप्लोइड स्टेज, ठीक है, इज वेरी मच रिड्यूस्ड होती है, जहां पे
ओनली बाय फ्यूज न्यूक्लियाई इन द मिच्योर टेलिटोस्पोर, जहां पे मिच्योर टेलिटोस्पोर के अंदर ही फ्यूज न्यूक्लियाई देखने को मिलती है, अदरवाइज कंडीशन जो है ये एन प्लस एन यही कंडीशन देखने को मिलती है इसके अंदर। ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया, ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके अंदर अगर अगेन हम देखें यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट हमने देखा था, सबसे फर्स्ट स्टेज होगी जो वीट प्लांट है वो एसिडियोस्पोर्स के थ्रू इन्फेक्ट होगा, इन्फेक्ट होने के बाद यूरिडोस्पोर्स बनेंगे, यूरिडोस्पोर्स यहाँ पे इस होस्ट एपिडर्मिस को रप्चर करके निकल जाएंगे, देन जर्मिनेशन होगी, जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होगी, जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होने के बाद ये टेलिटोसोरा या फिर टेलिटोस्पोर्स के अंदर चेंज हो जाएंगे अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद, देन बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे यहाँ पे, बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद एसीडिया यहाँ पे बनेंगे, देन यहाँ पे ये जो है ये मूव कर जाएंगे लोअर एपिडर्मिस की तरफ मूव करेंगे, देन यहाँ पे एसिडियोस्पोर्स बनेंगे, एसिडियोस्पोर्स यहाँ पे एसिडियो एसिडियम की जो एसिडियल कप था या फिर एसिडियो या फिर एसिडियम था उसकी अगेन लोअर एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएंगे एंड ये एसिडियो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड अगेन ये वीट प्लांट को इन्फेक्ट कर देंगे। तो इस वे में इसकी लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक चलती रहती है। तो ये इसकी डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल होगी जिसके अंदर हमने वन बाय वन सारे स्टेजेस डिटेल में भी डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एगेरिकस के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट फंजाई एगेरिकस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।